हमीरपुर के बजूरी स्थित आईपीएच विभाग के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में रास्ता निर्माण के लिए पहुंची आईपीएच विभाग की टीम पर स्थानीय युवक ने हमला बोल दिया, जिस पर एसडीओ के सिर पर गहरी चोटें आई तो साथ में जेई के शरीर पर भी गहरी चोटें आई हैं। रास्ता निर्माण के लिए गई टीम के एसडीओ सुखदेव सिंह और जेई रमन शर्मा के साथ नगर परिषद के अध्यक्ष मनोज मिन्हास और वार्ड नंबर 2 पार्षद राजकुमार भी मौके पर ठेकेदार के साथ काम शुरू करवाने के लिए गए हुए थे कि जमीन को लेकर युवक पवन कुमार ने बहसबाजी की और हमला कर दिया, जिसमें एसडीओ और जेई दोनों को गहरी चोटें आई हैं। एसडीओ और जेई ने मारपीट मामले की सूचना स्थानीय पुलिस थाना के साथ आईपीएच के आला अधिकारियों को भी दी है और पुलिस ने मामला दर्ज कर घायलों का मेडिकल करवाया जा रहा है। एसडीओ सुखदेव ने बताया कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास रास्ते का काम शुरू करने गए थे, लेकिन वहां पर स्थानीय युवक पवन कुमार ने रास्ते पर मलकियत भूमि का दावा किया, जिसे समझाया गया कि एक माह पहले विभाग ने निशानदेही ली है, लेकिन युवक नहीं माना और मारपीट करने लगा। उन्होंने बताया कि युवक ने डंडे से मारपीट की है, जिससे गहरी चोटें लगी हैं। उन्होंने बताया कि मारपीट के कारण सिर और शरीर में चोटें लगी हैं और पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आज अपने साथी जी रमन शर्मा के साथ साइट पे गया सुबह 9:45 पे। आज वहाँ पे हमारा काम स्टार्ट हुआ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का, जिसकी डिमार्केशन हमने एक महीना पहले ले रखी थी और गवर्नमेंट लैंड जो था उस पे ही हमने अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवानी थी। आज हमने जो था वो सिंपली एक रास्ता बनाने के लिए जो है वो जेसीबी को लगवाया, साथ में कॉन्ट्रैक्टर भी हमारे साथ थे, कमेटी के चेयरमैन मनोज, वार्ड नंबर 2 के पार्षद ये भी वहाँ पे मौजूद थे। हम ये पवन शर्मा सनाव श्री लोकाराम वार्ड नंबर 8 से बात ही कर रहे थे। ये बोल रहे थे कि हमारी मलकियत है, हमने कहा कि एक महीना पहले हमने डिमार्केशन ली है और हमने गवर्नमेंट लैंड ही यूज़ करने के लिए जो है ये ट्रीटमेंट प्लांट जो है बना रहे हैं। हमने इनको समझाए रहे थे और ये गाली गलौज पे उतर आए और इनके हाथ में एक बहुत बड़ा डंडा था, जिससे ये हमारे को दोनों को पीटने लग पड़े और हम दोनों को नीचे गिरा दिए। इसके बाद जो है वो डंडा टूट गया और हम लोग नीचे पड़े रहे। मेरे जेई जो है वो किसी तरह भाग के जो है वो दफ्तर फोन कर रहे हैं, फिर मेरे को किसी ने उठाया और पानी पिलाया और मेरे को गाड़ी में बैठाया। फिर जेई साहब को मैंने बोला कि हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, हमने अपने ऑफिसर जो थे उनको इन्फॉर्म कर दिया था। तो बस हम समझाते जो इस आदमी ने हमारे को जो हिट कर दिया, तो शुक्र करो कि वो डंडा टूट गया, अगर बड़ा डंडा होता तो शायद ये हमारे को जान से मार डालता। एसडीओ सुखदेव ने कहा कि लोगों का व्यवहार सरकारी कर्मचारियों के साथ ऐसा होगा तो विकास कार्य कैसे हो पाएंगे। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मारपीट के आरोपी युवक को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे से सरकारी कर्मचारी के साथ इस तरह की मारपीट के मामले ना हो। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी सरकार के विकास कार्य को करवाने के लिए जाते हैं। हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, अगर लोगों का व्यवहार हमारे प्रति ऐसे ही रहेगा तो हम लोग कैसे फील्ड में काम कर पाएंगे। ये हमारी जो है वो सरकार से गुजारिश रहेगी कि जब भी हम साइड पे जाते हैं तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमारे लिए क्या कोई प्रोटेक्शन जो है कौन देगा। इस आदमी को जो है, जिस आदमी ने आज हमारे को मारने की कोशिश की है, इसको जो है वो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि हम लोग जब भी अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हों तो लोगों को ये याद रहे कि हम भी उसी समाज में से हैं और हम उन्हीं की भलाई के लिए जो है वो कार्यरत हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि इसने जो है जो आज हमारे साथ व्यवहार किया है वो शायद हम आज हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम आज मरने से बच गए।